26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। हिंसा के दौरान हाथ में तलवार लहरा रहे एक शख्स को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान मनिंदर सिंह उर्फ मोनी के रूप में की गई है। लाल किले पर हिंसा के दौरान हाथ में तलवार लहरा रहे एक शख्स को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके घर से दो तलवार भी बरामद की हैं, जिनका इस्तेमाल उसने लाल किला हिंसा के दौरान किया था। आरोपी की पहचान मनिंदर सिंह और मोनी के रूप में की गई है। वो स्वरूप नगर के सिंधी कॉलोनी का रहने वाला है और पेशे से मैकेनिक है। जानकारी के मुताबिक लाल किला हिंसा मामले की जाँच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है। हाल ही में स्पेशल सेल को सूचना मिली थी कि स्वरूप नगर का रहने वाला मनिंदर सिंह वहाँ हिंसा में शामिल था। घटना के समय तलवार लहराते हुए उसकी तस्वीर भी सामने आई थी। उन्हें पता चला कि मंगलवार रात पीतमपुरा स्थित सीडी ब्लॉक बस स्टॉप के पास आएगा। इस जानकारी पर पुलिस टीम ने छापा मार कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस टीम उसे लेकर उसके घर पहुंची, जहां से वो दोनों तलवार बरामद हो गई, जिन्हें वो लाल किले पर लहरा रहा था। दिल्ली पुलिस को मनिंदर सिंह की 26 जनवरी के बाद से ही तलाश थी और पुलिस लगातार जानकारी के आधार पर अलग अलग जगहों पर छापेमारी भी कर रही थी। स्पेशल सेल को आखिरकार 26 जनवरी में हुई हिंसा मामले में वॉन्टेड आरोपी को पकड़ने में कामयाबी मिली। स्पेशल सेल की टीम ने पीतमपुरा इलाके में छापेमारी करके महेंद्र सिंह को धर दबोचा और फिलहाल पुलिस की पूछताछ लगातार जारी है। हर्षित मिश्रा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।